मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 2 मीडियम साइज के आम और 1 लिए हमने साथ में कैरी। कैरी को थोड़ा आम से छोटी ली हमने और 2 आम के साथ हमें 1 ही कैरी चाहिए। और आम एकदम मीठे हैं, मीठे वाले आम लिए हमने और साथ में 1 खट्टी वाली कैरी ले ली है। तो आम के हम छिलके उतार के तैयार कर लेंगे। आम को अच्छे से छील लेंगे और कैरी को भी छील लेते हैं। ये देखिए, दोनों आम और 1 कैरी को हमने छील के तैयार कर लिया है। अभी हम इसके छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रूटी बनानी बहुत आसान है और ये फ्रूटी बच्चों को बहुत पसंद आती है और इसको बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। लेकिन आपके आम है जो एकदम मीठे वाले होने चाहिए, उसकी फ्रूटी है जो बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी हम इसका बना लेंगे पेस्ट। तो कैरी और आम सारी चीज़ें मैं एक साथ ही इसमें ग्राइंडर में डाल देती हूँ। अभी हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए, हमारे आम का जो प्लप है वो देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम यम्मी लग रहा है ना। तो अभी हमने ले ली 1 कढ़ाई और ये जो पीस के मिक्सर हमने तैयार किया था ये डाल देंगे हम कढ़ाई के अंदर। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी कम ज़्यादा रखना है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी हमने यहाँ पे आधी ग्लास पानी डाला है, इतना पानी काफ़ी है इसके अंदर। अभी अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे बैटर को। अच्छे से मिक्स करके हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाना है। ये देखिए अभी इसका कलर कैसा है, जब ये पकेगी तब इसका कलर कैसा होगा। आज को हमें मीडियम ही रखना है। तो अभी हम इसमें मिठास के लिए डाल देती हूँ मैं 1/2 कप चीनी। आपकी मिठास आम पे डिफरेंट करती है कि आपके आम कितने मीठे हैं या खट्टे हैं, उस हिसाब से आप चीनी को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ऐड की है, या आप टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग और चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमें मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाना है। ये थोड़ा शाइनी सा लगने लग जाएगा जब तक ये पक के तैयार हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी थोड़ी शाइनी सी लग रही है ना इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से। तो अभी ये हमारा प्लप है जो पक के तैयार हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक बर्तन में डाल के ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसको हम एक बर्तन के अंदर छान लेंगे ताकि इसके एक्स्ट्रा जो भी रेसे वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे और ये पीने में एकदम बाजार जैसी लगेगी। देखिए अच्छे से छन जाती है ये। छानने से ये देखिए इसकी जो एक्स्ट्रा थोड़े बहुत कैरी वगैरह के जो रेसे होते हैं वो निकल जाते हैं, इससे ये पीने में बहुत अच्छी लगती है। रेशे वगैरह मुंह में नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो देखिए सारा प्लब हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको हम दोबारा बड़े बर्तन में डाल देते हैं। बड़े बर्तन में डाल के हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। लगभग 2-3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ मैं। पानी ठंडा ही लें आप या नॉर्मल पानी लें, जैसे इसको वैसे भी फ्रिज में रख के ठंडा करना है, तो अभी कोस से अब भी पानी ले कोई बात नहीं। तो इसको मैंने फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया है। मैंने 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अभी हम इसको ठंडा ठंडा फ्रूटी को सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, ये हमारी एकदम ठंडी ठंडी बाजार जैसी मज़ेदार फ्रूटी बन के तैयार है। कितनी अच्छी बनी है ये देखिए।